एज फार एज दिस स्लम इज कंसर्न, जनता वसाहत, वो उसका पहले का नाम था मोहन नगर, बिकॉज मोहन धारिया हु वॉज द खासदार एंड वन ऑफ द यंग टर्क इन इंदिरा गांधी मिनिस्ट्री, ही बिकेम अ पोलिटिकल लीडर. और वो जमाना ऐसा था सोशलिज्म वगैरह का, ये था कि एवरी पोलिटिकल लीडर वॉन्टेड टू हैव अ वस्ती इन देयर ओन नेम. सो वो जमाने में अम्बेडकर नगर, गांधी नगर, नेहरू नगर, मोहन नगर, तो ये मोहन नगर तरीके ये स्लम चालू हो गया. सो आई हर्ड अबाउट इट वे बैक इन 83-84 व्हेन नोटेड एकेडमिशियन एंड आर्किटेक्ट डॉक्टर मीरा बापट हैड डन हर पीएचडी थीसिस ऑन द स्लम्स ऑफ पुणे, और उसमें ये झोपड़पट्टी का नाम था कि जिसका नाम अभी बदल के मोहन नगर बदल के जनता वसत हो गया था. एंड दैट टाइम अकॉर्डिंग टू द पब्लिकेशन वे बैक इन अर्ली 80s, इट हैड पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 1000 फैमिलीज. जहाँ मैं पैदा हुआ था गांव पे, और उसके पांचवें दिन यहाँ पे आया हूँ मैं, ऐसे माँ बताती है मेरे को. या मेरी उम्र 28 साल है अभी, वो तब से लेकर अब तक मैं जनता वसत में ही रहता हूँ. और यहाँ पे सब हमारी फैमिली रहती है, और यहाँ पे सब जो लोग हैं वो बहुत अच्छी तरह से मिलजुल के रहते हैं. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो सब मिल के वो उसको हैंडल करने की कोशिश करते हैं सब. यहाँ पे जो लोग आए हैं वो कुछ गांव से आए हैं यहाँ पे, कुछ अपने रोज़गार मिले इसके इसलिए आए यहाँ पे, आके यहाँ पे स्थायिक हो गए यहाँ पे. तो यहाँ पे सभी प्रकार के लोग काम करते हैं, यानी कि आईटी सेक्टर से लेकर पेंटर तक, या कारवार जो गैरेज रहता है वो भी यहाँ पे काम करते हैं. और ज़्यादा तो क्राउड है यहाँ पे, तो बिगारी लोग जो कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हैं, या पेंटर लोग हैं, ये ज़्यादातर लोग यहाँ पे रहते हैं. अर्बनाइजेशन बढ़ गया, लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज केम टू द सिटी, सो पीपल स्टार्टेड माइग्रेटिंग. द वन हु कुड अफोर्ड, हु केम फ्रॉम बेटर ऑफ क्लास, हु हैड बेटर इनकम, दे वेंट फॉर बाइंग द फ्लैट्स. तो बिल्डर लोगों का भी धंधा चल गया, और दे स्टार्टेड रेंटिंग द फ्लैट्स. तो रेंटल हाउसिंग भी काफ़ी बड़े पैमाने, फॉर्मल रेंटल हाउसिंग चालू हो गया. बट ह्यूज सेगमेंट ऑफ पीपल स्टार्टेड कमिंग टू पूना, were migrants, and they came from not only in different parts of Maharashtra, but they came from Rajasthan, UP, Bihar वगैरह. और ये सब लोग पुणे में एक बार आ गए तो चिपक गए, मतलब वो they came with one way ticket and nobody ever went back, क्योंकि climate was good, water was available and job opportunity was there, and this segment could not satisfy their housing requirement in formal housing, उतना income नहीं था. जनता वसत की जो ज़मीन है वो ऊपर का टेंपल विम्पल छोड़ो, वो तो वो पेशवा का जो ट्रस्टी है उनका है, लेकिन अदरवाइज द होल डोंगर वाज ओन बाय अ फैमिली ऑफ राउत, और उनका ज़मीन था. और उनको एवरी लैंड ओनर वांटेड टू एनकैश इन द अर्बनाइजेशन, दे वांटेड टू कम अप विद द फ्लैट्स एंड सेल इट एंड मेक मनी एंड ऑल दैट. बट एज द लैंड वॉज रिजर्व्ड अंडर द पार्क, वो नहीं हो सका. In 87, one interesting thing happened. There was an amazing assistant municipal commissioner called Mr. Kinkar, who was heading the slum removal department. वो टाइम पे झोपड़पट्टी निर्मूलन विभाग नाम का एक खाता होता. तो he had bright idea कि ये सब लोगों को अभी गवर्नमेंट से हम जगह देंगे, मकान देंगे, और ये जगह खाली करके इधर पार्क बनाएंगे, बिकॉज कॉरपोरेशन के डेवलपमेंट प्लान में इट वाज टू बी कन्वर्टेड इनटू पार्क. यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तो सबके घरों में है, उनका बिल कम से कम 80% तक लोग जो है यहाँ के वो पूरा पे करते हैं, या कि और यहाँ पे पानी की समस्या तो नहीं है, क्योंकि हर किसी के घर में वो पानी है. यहाँ पे घर भाड़ा 2-3 हज़ार तक ही है, उससे आगे नहीं है, क्योंकि एक बहुत कॉमन लोग रहते हैं यहाँ पे, कुछ कमाते हैं, उसमें से घर भाड़ा अगर 5-6 हज़ार देंगे तो खाएंगे क्या, ऐसे चलता है यहाँ पे. अभी कम से कम 30 साल हो गए. अब घर में हम 4 लोग थे, 2 बच्चे और बीवी मियाँ. गरीबी हालत सर, इसके लिए आ गए खेड़े गांव में, पेट नहीं भर रहा था, वही सबसे आ गए. पहला तो अकेले आ गए थे, उसके बाद हम लोग को लेके आए.
तो ये रोड पे का धंधा है हम लोग का, हाथगाड़ी पे है, जो थोड़ा थोड़ा लगता है घर से लेके जाते हैं। मतलब शॉप बड़ा नहीं है मेरा, हाथगाड़ी पे ही है। क्या करते हैं? यही लटकन का, लेस का, लेडीज आइटम है। ये हो गया 20-25 साल से चालू है। यहाँ की पॉपुलेशन 60-70 हज़ार तक है, 20 हज़ार तक घर है यहाँ पे। काफ़ी लोग गांव चले गए थे, लेकिन जैसे ही वो पेट का सवाल आया तो फिर से वापस आ गए सब, या कुछ एक 5% लोग वह नए आए, खाली बाकी सब तो रिटर्न आ गए, क्योंकि अगर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, ऐसा ही यहाँ का है। कुछ क्राउड एजुकेशन क्राउड नहीं है यहाँ पे, जो पुराने लोग थे उन्होंने जो घर लिया है वो पेंटर या कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते, जैसे काम मिलता है तभी कुछ हो पाता है उनका। टॉयलेट की सुविधा तो हर एक घर में है, यहाँ के जो कॉरपोरेट थे उन्होंने हर एक घर में एक टॉयलेट दिया है, उन्हें जिनको नहीं था उनको बनवा के दिया है, और पानी का टैक्स नहीं पे करना पड़ता है यहाँ अभी तक तो, या लेकिन लाइट बिल तो पूरी तरह से भरते हैं यहाँ के लोग। सब अच्छा है, पानी अच्छा है, रहने के लिए मॉल अच्छा है, ऐसा कुछ लपड़ा अपड़ा नहीं, कुछ नहीं, एक से एक मदद कर देते कि किसी को कुछ हो गया तो भी तुरंत भाग के आते, सब अच्छा है, ऐसा कुछ अपने लिए तो तकलीफ नहीं है। अब इतने साल से इधर रह रहे तो कोई तकलीफ नहीं दी है। यहाँ पे जैसे कोरोना शुरू हुआ था, जो लॉकडाउन हुआ पूरा, तब से जिस दिन से लॉकडाउन हुआ था तब से लेकर 55 डेज यहाँ पे एक भी पेशेंट नहीं था। पूरी 60 हज़ार के ऊपर जो पॉपुलेशन है यहाँ की, वो एक भी पॉजिटिव पेशेंट नहीं था। 55 डेज के बाद दूसरा पेशेंट, पहला पेशेंट मिला यहाँ पे, और वो यहाँ पे लोग बहुत प्रिकॉशन ले रहे थे कि कोई बाहर में नहीं जाएगा, या रोड बंद किए थे पुलिस वालों ने, वहाँ पे नाकाबंदी लगाई थी। और यहाँ पे जब कोरोना आया तो ऐसे 101 से लेकर 109 तक लेन है, ऐसे गली है यहाँ पे, तो हर एक गली में एक चार पांच घर ऐसा बढ़ने लगा। वो तो सबने वो मेंटेन भी किया, और यहाँ के लोगों की ह्यूमिनिटी ज़रा ज़्यादा है, क्योंकि ये सब जरा चढ़ के जाना पड़ता है हर एक घर में। हाँ, हिली एरिया है, जरा हिल है सब यहाँ पे, तो उसके वजह से लोग ज़्यादातर वो व्हीकल्स नहीं यूज़ करते, लेकिन चलना ये एक्सरसाइज ये करते हैं लोग यहाँ पे। कोरोना काल में तो बहुत मुश्किल उठा है हम लोग, समझो कि खाने के लिए दिक्कत था हम लोग को, कि सामने वाले को जाके बोले तो कुछ थोड़ा बहुत मदद करते थे, कि नहीं ऐसा नहीं, अन्न पानी दे दिए, फ्री का राशन दे दिए, बहुत कुछ चला हमारा, ऐसा नहीं कि भूखे नहीं रहे, थोड़ा बहुत तो खा के जिंदगी जिए हम लोग, ऐसा नहीं कि नहीं जिए। तो कि धंधा पानी रोजी रोटी हम खुद कमाते थे वो सब बंद हो गया, 2 साल हो गया, फिर भी अब तक तो चालू नहीं है मेरा, मतलब अभी फिलहाल चालू हो गया, हम लोग को रोड के धंधे लगाने नहीं रह रहे। अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट काफ़ी जोर में था, और 76 में अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट आया, एंड अकॉर्डिंग टू द एक्ट द गवर्नमेंट हैज़ एन अथॉरिटी टू एक्वायर सरप्लस लैंड ऑफ जो बड़े जमीन वाले थे, और एट 1 रुपये स्क्वायर फीट, दैट इज पेइंग नॉमिनल रेट कॉम्पनसेशन। वो जैसे नेशनलाइजेशन वगैरह उसका दौर था, तो ये बंदे ने क्या किया, मिस्टर बोंगिरवार, ही एक्वायर्ड ह्यूज लैंड इन बिबेवाड़ी एरिया, इट वॉज ऑल्सो ओन्ड बाय राउत फैमिली, राउत फैमिली के बहुत बड़े जमींदार थे, तो उनकी जो सरप्लस लैंड थी वो एक्वायर किया, और उधर अपर इंदिरा नगर नाम का एक प्रोजेक्ट किया। सो व्हाट वाज द अपर इंदिरा नगर, तो वो टाइम उन्होंने जनता वसत का सर्वे किया, सो दे वे 1400 फैमिलीज। सो क्या बोले कि 1400 प्लॉट बनाएंगे, छोटे छोटे प्लॉट, 10 फुट बाय 30 फुट के प्लॉट, उसको ड्रेनेज कनेक्शन देंगे, वाटर कनेक्शन देंगे, इलेक्ट्रिक कनेक्शन देंगे, और एक टॉयलेट बांध के देंगे। नो, दिस वॉज इन 87। सो इन 87 सो द लैंड वॉज एक्वायर्ड, द प्लॉट्स वेर बॉट, एंड ऑल दिस 1400 पीपल हु वेर स्टेइंग इन द जनता वसत वेर इज टू बी शिफ्टेड ओवर देयर। तो जनता वसत के लोग भी बहुत होशियार हैं, वो बोले कि बहुत अच्छा है, हमको प्लॉट मिल रहा है, उसमें लाइट भी है, ड्रेनेज भी है, वाटर भी है, जिंदाबाद जिंदाबाद कौन, जो कोई नेता होगा उसका क्या, एंड दे टुक द पोजिशन ऑफ ऑल द प्लॉट्स ऑल्सो, बट नोबडी वेकेटेड दिस लैंड। तो मतलब वो तो ले लिया, और इधर फिर कॉरपोरेशन के लोग आए कि भाई अभी तुमको प्लॉट दिया है, उठो इधर हम बुलडोजर लाते, तो पत्थर मारना भी ना चालू किया, और इन शॉर्ट दे मैनेज टू
गेट दैट प्रॉपर्टी देयर एंड दे ऑल्सो मैनेज टू कीप द प्रॉपर्टी हियर, और अपना जो जो कोकण से आया है, जलगांव से आया है, बीड से आया है, वो अपना काका मामा को बुला के उनको सेटल कर दिया।